फिर क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है, फिर क्या लिखा है यहाँ पर, दिस इज कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, राइट। ये तो यहाँ पर कन्वेंशन है, ठीक है, देर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, सिंस द टू स्ट्रैंड्स हैव अपोजिट पोलैरिटी, दोनों स्ट्रैंड में क्या होगा, अपोजिट पोलैरिटी हमें देखने को मिलेंगी, एंड द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ऑल्सो कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। अब हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था, डीएनए रेप्लिकेशन में मेन एंजाइम था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था, अब यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये दिस इज द मेन एंजाइम, फॉर दिस ऑल्सो कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। तो ये एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, ये वर्क करेगा, किस दिशा में करेगा, ये 5' to 3', इट वर्क्स टुवर्ड्स द 5' to 3', द स्ट्रैंड दैट हैज ए द स्ट्रैंड दैट हैज द पोलैरिटी 3' to 5' एक्ट एज ए टेम्पलेट। तो जो ये वाला स्ट्रैंड है, ठीक है ना, जो ये जो स्ट्रैंड है यहाँ पर, द स्ट्रैंड दैट हैज़ अ पोलैरिटी 3' to 5', ये क्या करेगा, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है एंड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द, ठीक है ना, टेम्पलेट है, ठीक है, टेम्पलेट, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड हम इसको कहते हैं। द अदर स्ट्रैंड विच हैज़ द पोलैरिटी 5' to 3' एंड द सिक्वेंस सेम एज इन आरएनए, ठीक है, बिल्कुल सिक्वेंस क्या होगी, सेम होगी आरएनए की तरह, एक्सेप्ट थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल इज डिसप्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। स्ट्रेंजली दिस स्टैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, वो स्टैंड जो कोड नहीं कर रहा किसी को, ठीक है, वो स्टैंड जिसको कोड ही नहीं कर रहा उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोडिंग स्टैंड कहते हैं, ठीक है, दैट स्टैंड इज नोन एज द कोडिंग स्टैंड। ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद द कोडिंग स्ट्रैंड टू एक्सप्लेन द पॉइंट, ए हाइपोथेटिकल सिक्वेंस फॉर्म्स ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बिलो। तो यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन्होंने दिखा रखी है, राइट, तो ट्रांसक्रिप्शन ये क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये जो है यहाँ पर, ठीक, ये डीएनए है, ठीक है ना, डीएनए डबल स्टैंड डीएनए विद दो सिक्वेंस है यहाँ पर, राइट, दो सिक्वेंस यहाँ पर दे रखी है इन्होंने। कैन यू राइट द सिक्वेंस ऑफ द आरएनए दैट सीक्वेंस ऑफ द आर एन ए ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अबव डी एन ए, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, आर एन ए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है ना, आर एन ए पॉलीमरेज यहाँ पर, आर एन ए पॉलीमरेज विल वर्क टूवर्ड्स द, किस दिशा में वर्क करेगा वो, ठीक है ना, 5' to 3' वर्क करेगा, तो यानी कि इस वाले स्टैंड पर ही तो वर्क करेगा वो, ऊपर वाले स्टैंड पर, एंड दैट स्टैंड इज नोन एज द टेम्पलेट स्टैंड। तो अगर इसका हम लोग एम आर एन ए सिक्वेंस बनाएंगे, ठीक है ना, सिक्वेंस ऑफ एम आर एन ए बनाएंगे, बताओ क्या आएगा, ठीक है ना, ये जो हो गया, ठीक है, ये जो हो जाएगा एडनिन गुआनिन, ठीक है, फिर यहाँ पर एडनिन थाइम, मतलब क्या होगा, थाइमिन की जगह क्या जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, ए के साथ क्या होगा, ठीक है, ए के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप इसको जो है, ठीक है, लिखो, ठीक है, इसको लिख कर देखो, इसको बनाओ, ठीक है, इसको लिख के देखना, इसको बनाना कि भाई इसमें जो टेम्पलेट स्टैंड है इसको हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड के जी सी के साथ क्या होगा, जी होगा, जी के साथ सी हो जाएगा, टी के साथ यू आ जाएगा, ए के साथ क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर ए के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर यू लग जाएगा, ए के साथ यू हो जाएगा, ठीक है, ए के साथ यू हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर ए के साथ यू हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर एडनिन आ जाएगा, यहाँ जी के साथ सी आ जाएगा, सी के साथ जी आ जाएगा, ए के साथ यू आ जाएगा, तो ये पूरी सीक्वेंस यहाँ पर हमें मिल जाएगी, वो होगी एम आर एन ए की सीक्वेंस, ठीक है। अब वो वाली जो सीक्वेंस है, ठीक है ना, वो वाली सीक्वेंस है, अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल इसके सिमिलर हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर हमें देखने को मिलेगी, तो वो हम लोग इसको देख सकते। तो एक बार मैं आपको वैसे आपको दिखा देता हूँ कि भाई किस कैसे वर्क किया होगा, देखो ये मैंने अलग से रफ में बना रखा है, ठीक है, ये जो है ये भी हम पढ़ेंगे इसको, ये देखो आप 3' to 5', ठीक है, 3' to 5' हो गया, ये हो गया 5' to 3', ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रैंड हो गया डबल स्टैंडर्ड, आरएनए पॉलीमरेज आया, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज वर्क टुवर्ड 5',
तो ये देखो ये बन गया, इसका सीक्वेंस बन गया, एमआरएनए का सीक्वेंस आ गया ये, ठीक है। ये हो गया यूरेसिल, टी ए जी सी सी जी सी जी ए टी, ठीक है ये यूरेसिल, ठीक है यूरेसिल आ गया, जी के साथ सी आ गया। ये है सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। अगर आप इस सीक्वेंस को देखोगे और इस कोडिंग स्ट्रैंड को देखोगे, ये बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर हमें देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये है, ठीक है, ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए, ये जो मैंने बताया कोडिंग स्ट्रैंड है, इसका कोई यूज़ नहीं है ट्रांसक्रिप्शन में, आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर वर्क नहीं करता। ये किसके समान है, ये बिल्कुल एमआरएनए के समान है। ये ही जो स्ट्रैंड है, ठीक है, ये वाला स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसको ही कॉपी किया जाता है, राइट। इसको ही क्या किया जाता है, इसको लोग कॉपी करते हैं, राइट। तो ये हमने देखा कि भाई किस तरीके से जो है हम लोग एमआरएनए की सीक्वेंस यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं।